हेलो दोस्तों, आज हम वाइल्ड वाटर बफेलो और गोर इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लगाने वाले हैं। वैसे तो ये दोनों ही कैटल की ही प्रजातियाँ हैं, मगर यह काफ़ी डेंजरस हुआ करते हैं क्योंकि इन्हें कई बार टाइगर को पछाड़ते हुए भी देखा गया है। इसलिए हम इन दोनों के बारे में की पूरी जानकारी जान लेते हैं, जिसकी मदद से हम इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लग सके। तो हम सबसे पहले इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गोर लंबाई में करीब 2.5 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.4 मीटर से लेकर 2.2 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 588 किलो से लेकर 1500 किलो तक हो सकता है। और यह आपको साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में दिखाई देते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। वही वाइल्ड वाटर बफेलो की लंबाई करीब 2.4 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.5 मीटर से लेकर 1.9 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 600 किलो से लेकर 1200 किलो तक हो सकता है। और यह भी इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में दिखाई देते हैं, मगर अभी इनकी संख्या इन देशों में 4000 से भी कम है। तो दोस्तों, आपको इस जानकारी के कारण गोर वाइल्ड वाटर बफेलो से 20% बड़े हो सकते हैं, इतना तो पता चल ही गया होगा, इसलिए गोर के पास साइज का एडवांटेज मौजूद है। तो अब इनके वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही कैटल्स होने के कारण इनके मुख्य हथियार है उनके ताकतवर और मजबूत सींग, जिनसे यह अपने अपोनेंट का सामना करते हैं, और साथ ही इनके मदद से यह अपने प्रीडेटर्स को भी अपने से दूर रखते हैं। मगर हमें इन दोनों के सिंगों में काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलोज के सिंग गौर के सिंगों से ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। वही गौर के सिंगों की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। तो दोस्तों, इस जानकारी के आधारित पर बता दूँ तो वाइल्ड वाटर बफेलोज के पास लंबे हथियारों का एडवांटेज मौजूद है। तो अब इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गोर वाइल्ड वाटर बफेलो से एजिलिटी के मामले में आगे है, क्योंकि यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। वही वाइल्ड वाटर बफेलोज 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, और साथ ही गोर के पास वाइल्ड वाटर बफेलो से मसल पावर भी ज़्यादा होती है। हालांकि यह दोनों स्टैमिना के मामले में बराबर होते हैं, और इन दोनों के शिकारी भी सेम होने के कारण इनको उनसे लड़ने का एक्सपीरियंस भी सेम ही होता है। तो अब इन दोनों के फाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों किसी रेसलर की तरह लड़ा करते हैं, क्योंकि इनके लड़ने का स्टाइल कुछ वैसा ही होता है, जैसे कि यह दोनों अपने सिंग एक दूसरे के सिंगों में फंसा लेते हैं और अपने अपोनेंट का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने के कारण वह अपोनेंट नीचे गिर जाए और बाद में यह उस अपोनेंट पर अपने शार्प सिंगों से हमला कर सके ताकि वह घायल हो जाए। तो इसलिए इस तरह के लड़ाई में साइज और हथियार यह दोनों ही काफ़ी मायने रखते हैं। मगर इन दोनों जानवरों के पास एक एक खूबी मौजूद है, जैसे कि गोर के पास साइज का एडवांटेज मौजूद है और वाइल्ड वाटर बफेलोज के पास हथियारों का, मगर गोर वाइल्ड वाटर बफेलो से कई मामलों में आगे है, इसलिए गोर इस लड़ाई में वाइल्ड वाटर बफेलो को हरा सकता है, यानी कि गोर ताकतवर है। तो इस पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।